प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। एक बार फिर से सभी को जय मसीह। मेरे से तो अंत के दिनों की बड़ी भविष्यवाणियाँ और सच्ची भविष्यवाणियाँ जो पूरी हो रही है और अब भी जिनका पूरा होना बाकी है, वो सब आपके सम्मुख। एक बार फिर से दुनिया खतरे में है, दुनिया के पूरा अस्तित्व खतरे में है, दुनिया फिर से संकट की ओर है। सब कुछ बताऊँगा, बहुत ज़रूरी है हर एक विश्वासी को। और यह यीशु मसीह के आने की शुरुआत हो चुकी है, अंत नहीं है लेकिन शुरुआत है। मैं हमेशा कहता हूँ हम अंत के दिन में जी रहे, लेकिन हमें ये नहीं पता हमारा प्रभु कब आएगा। लेकिन चिन्ह जो दे रखे हमें ये पता, क्योंकि यीशु मसीह खुद बोला है उस समय कोई नहीं जानता। लेकिन हमें तैयारी करनी है, हमें सोता रहना नहीं है। मेरे जीजों, आज कुछ भविष्यवाणियाँ जो परमेश्वर यीशु मसीह के मुँह से निकली है वो पूरी हो रही है। मैं उन पर आपका ध्यान केंद्रित करूँगा और फिर से बताऊँगा कि दुनिया किस तरह से जूझ रही है। बहुत बुरी हालत है, चाहे कोई भी देश हो, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं। और 2020 से, खासकर 2020 से कंडीशन टफ पे टफ हो रही, लेकिन खुशखबरी यह है कि प्रभु हमारे साथ है। परमेश्वर का वादा है कि वो हमारे साथ है। हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें तैयार रहने की जरूरत है। हमें लापरवाह भी नहीं होना, हमें सोना भी नहीं है, हमें लापरवाह भी नहीं होना, हमें आलस भी नहीं होना, हमें एक्टिव रहना है परमेश्वर के कामों में, परमेश्वर के सुसमाचार में। क्योंकि जो जो प्रभु ने भविष्यवाणी करी है वो पूरी हो रही है, जाहिर है कि उसका चिन्ह है। अगर वो पूरी होगी तो संकट यानी कि अंत द्वार पर खड़ा है और प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है। हम कितने तैयार हैं इस समय, ये एक सवाल है मेरे जो। क्या आज भी हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, मौज मस्ती, अश्लीलता, पाप की दुनिया में है? क्या हम सोते रहते हैं? या हमें यीशु मसीह के आने से कोई मतलब नहीं, हम इस बात को धोखा मानते, अफवाह मानते, झूठ मानते, तो हम सबसे बड़ी मूर्खता करते हैं। मेरे तो वचन जो कहता है ना वो पूरा होकर दिखाता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, मेरी बात कभी नहीं टलेगी। इस बात को हम सीरियस ले। और आज कुछ भविष्यवाणियाँ जो परमेश्वर ने करवाई है वचन के द्वारा, मैं आपके उस ध्यान केंद्रित करूँगा। तो आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर वचन के द्वारा और हमसे पिता इस भविष्यवाणी को शेयर करने के लिए, बताने के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। जितने लोग सुन रहे आज वो आज इसके द्वारा सचेत होंगे और सावधान होंगे और तैयारी करेंगे तेरे आने की। हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे तो तैयारी का मतलब क्या होता है? तैयारी का मतलब होता है हमें वचन में एक्टिव रहना, प्रार्थना में एक्टिव रहना। बेशक अपने काम करते हो आप नौकरी करने वाले हो, बिजनेस करने वाले हो, स्टूडेंट हो, पढ़ने वाले हो, वो काम नहीं छोड़ने के लिए कह रहे, वो काम करना है। साथ में हमें उन काम को छोड़ना है जो यीशु मसीह से हमें दूर ले जाते, हमें आत्मिक लाइफ से दूर ले जाते। वचन कहता है कि अधर्म से बढ़ने से प्रभु हमारा प्रेम प्रभु के लिए ठंडा हो जाएगा। बिल्कुल, आज बहुत लोग चाहे वो मसीह हो, क्रिश्चियनिटी में हो, प्रभु को बहुत लोग छोड़ते जा रहे। वैसे नहीं छोड़ रहे, क्रिश्चियनिटी है, बाइबल उनके घर में है। कब पढ़ी थी? साल दो साल पहले पढ़ी थी या एक साल पहले पढ़ी थी? धूल जम गई है। जब हमारे वचनों में, हमारे पवित्र बाइबल में धूल जमने लगती है तो मेरे अजीज़ों हमारे जीवन में भी धूल जमने लगती है। समय निकाले वचन पढ़े। शैतान तो नहीं चाहेगा वचन पढ़े। आप अपना समय बड़े आराम से इंस्टाग्राम पे हंसते हंसते दे दोगे, फेसबुक पे दे दोगे, ट्विटर पे दे दोगे, या फिर सोशल मीडिया पे, या फिर यूट्यूब पे दे दोगे, लेकिन गॉसिप पे दे दोगे, सब में दे दोगे, लेकिन प्रभु में देने में समय लगता है। 10 मिनट भी 10 घंटे के बराबर लगते हैं। ये शैतान का एक फंडा है जिसमें आपको फंसाना चाहता है। लेकिन ये अंत के दिन है मेरे जी, तो न्याय चल चुका है, इसलिए हमें और आपको एक्टिव रहना है। अपने बच्चों को भी एक्टिव करो, प्रार्थना में करो। जैसे हम हर चीज़ को नंबर वन मानते हैं, भाई हमें ये बनना है, ये बनना है, लेकिन उससे जरूरी है कि हमें आत्मिक बनना है, हमें स्पिरिचुअल बनना है, तभी हमें रक्षा हो पाएगी। ये तो छोटे छोटे बच्चे भी आजकल ड्रग्स एडिक्ट हो रहे हैं, फिजिकल एडिक्ट हो रहे हैं, बहुत बहुत बुरी तरह कंडीशन आ गई है। और मसीहों पे, खासकर क्रिश्चियन पे सताव पे सताव हो रहे हैं। हमें और आपको प्रार्थना करनी है कि प्रभु दया करे। तो आइए वचन में जाएंगे और उस भविष्यवाणी के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बातें करना, इस भविष्यवाणी को जो आपकी ओर से वो पूरी हो रही है। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि हमारा यीशु राजा आ रहा है, हम स्वागत कर पाए, हम तैयारी कर पाए रैप्चर की। पिता ये हमें बुद्धि ज्ञान दे, पवित्र आत्मा दे, और प्रभु जी आज हर किसी के जीवन से बातें करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बिल्कुल मेरे जीवन हमारा प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, क्योंकि यीशु मसीह ने ही कहा है कि मैं फिर से आऊँगा, लेकिन वो आएंगे हमें लेने के लिए। या हम कितने परफेक्ट है ये हमें देखना है। देखो कमी हम सब में है, तो ये कमी को दूर करने के लिए प्रभु मौका दे रहा है। आज अंत के दिनों की भविष्यवाणियाँ आपके सामने रखूँगा वचन के अनुसार। ये वचन है मेरे जीतों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि सब कुछ टल जाएगा लेकिन मेरी बात नहीं टलेगी। तो एक एक करके बताऊंगा कि कौन कौन सी भविष्यवाणी पूरी हो रही है। ये अंत के दिन है, आज भी लापरवाह मत होना, आज भी सो मत जाना, परमेश्वर यीशु मसीह का आना निकट है। वचन है लूका 21 और उसका 7 वचन से पढ़ूंगा, लूका 21 का 7 से पढ़ूंगा। लिखा है, उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु ये सब कब होगा और ये बातें कब जब पूरी होने पर होगी, तो उस समय का क्या चिन्ह होगा? चिन्ह मांगा। अब वो चिन्ह क्या हमें दिख रहा है या हम देखते हुए अनदेखा कर रहे हैं? क्योंकि हम पाप नहीं छोड़ सकते, हम फिजिकल नहीं छोड़ सकते, हम क्या कहते हैं यूट्यूब नहीं छोड़ सकते मौज मस्ती के लिए, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते परमेश्वर के लिए,
अगर हम पे कोई भी चीज़ है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, स्टोरी, तो उसका इस्तेमाल प्रभु यीशु मसीह के लिए करो। छोड़ने को नहीं कह रहा मैं, सिर्फ इस्तेमाल करो। पहले शैतान ने मेरे लिए इस्तेमाल करा, आज प्रभु मेरे लिए इस्तेमाल कर रहा है, मैं प्रभु के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ सोशल मीडिया को। हालेलुया, वही चीज़ आपसे कह रहा है। तो क्या लिखा है, इसका क्या चिन्ह होगा? उसने कहा, चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से कहेंगे मैं वही हूँ, और ये भी कि समय निकट आ पहुँचा है, तुम उनके पीछे ना चलना। अब सुनो, चिन्ह सुनना, जब तुम लड़ाइयों और बलवों के सुनो तो घबराना जाना, क्योंकि इनका पहले होना आवश्यक है। हो रही है ये, फिर क्या लिखा है, परंतु उस समय तुरंत अंत ना होगा। देखो वर्ड है यहाँ पे, तुरंत यानी कि अंत होगा, तुरंत नहीं होगा, शुरुआत हो चुकी है। अंत का मतलब है जितने लोग मर रहे हैं उनका तो अंत हो चुका है ना, तो वहाँ से तो वो रैप्चर में जा रहे हैं या नरक में जा रहे हैं, ये क्या चीज़ है? हमें ये दुनिया के अंत की बात नहीं कर रहा, परमेश्वर कह रहा तुरंत अंत नहीं होगा, कि अंत की शुरुआत है, तुरंत अंत नहीं होगा, धीरे धीरे करके होगा। हालेलुया, वचन को सोचो और समझो और फिर पढ़ो। होली स्पिरिट में लिखा है उस समय तुरंत अंत ना होगा, एकदम से अंत नहीं होगा, लेकिन शुरुआत है। अभी कितने लड़ाई में चले गए, कोरोना काल में चले गए, तो वो कहाँ गए? नरक में गए, स्वर्ग में गए, उनका रैप्चर हुआ, क्या हुआ उनका, कितने लोग ऐसे उठा लिए गए। तो हमें, मेरे अजीजों, हमें तैयारी करनी है, ताकि अगर कोई भी मुसीबत आती है, कोई भी ये भविष्यवाणी पूरी होती है जो प्रभु यीशु मसीह का है, उसके लिए हम अलर्ट रहे। फिर क्या लिखा है, तब उसने कहा जाति पर जाति, देखो जाति पर जाति और राज्य पर राज्य ट्राई करेगा, ये भविष्यवाणी पूरी हो रही है, ठीक है, और बड़े बड़े भूकंप आएंगे, ये भविष्यवाणी पूरी प्रभु यीशु मसीह की पूरी हो रही है, जगह जगह अकाल पड़ेंगे, ये भी भविष्यवाणी पूरी हो रही है। हालेलुया, ये सच्ची भविष्यवाणी है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। आप कहोगे ये तो बाइबल में लिखा है, तो भाई पढ़ते क्यों नहीं? फिर लिखा है तो इसे पढ़ा करो और समझा करो। हालेलुया, जगह अकाल पड़ेंगे और क्या लिखा है, भूकंप होंगे, जगह अकाल होंगे, ये भी हो रहा है, महामारियां पड़ेगी। देखो महामारी लिखा है, अभी तो एक है, अभी दूसरी आनी बाकी है, महामारियां पड़ेगी और अकाल से भयंकर बातें और बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। सब कुछ तो हो रहा है, अब हम किसका वेट कर रहे हैं? मौज मस्ती अभी भी, अरे यीशु मसीह का आने का वेट कर रहे हैं, तो तैयारी करो। हालेलुया, परंतु इन सब बातों से पहले मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ाएंगे, सताएंगे और पंचायत से सुपेंगे और बंदीगृह में डलवाएंगे और राजा और हकीमों के सामने ले जाएंगे। ये भी हो रहा है, सताप पे सताप हो रहा है, प्रभु के दासों को, कलीसिया को सताया जा रहा है, ये भी भविष्यवाणी पूरी हो रही है, पर ये तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर होगा। इसलिए अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता ना करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना खंडन ना कर सकेंगे, परंतु तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़ाएंगे, यहाँ तक कि तुम में से कुछ को मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु तुम्हारे सिर का एक भी बाल बाका ना होगा। अपने धीरे से अपने प्राण को बचाए रखोगे। परमेश्वर पिता इन सभी भविष्यवाणी को के लिए दया करे और परमेश्वर इसको पूरा कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि यीशु मसीह के वचन है भैया, ये पूरे होने ही हैं। वचन बाइबल में से नहीं टल सकता, ये बात कर, अगर इसके हम प्रार्थना भी करेंगे ना, पर वो टाल दे, नहीं टालेगा, ये वचन है, नहीं तो अगर वो टाल देगा तो ये भविष्यवाणी झूठी हो जाएगी। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उसके मुंह के निकल के भी वचन आ सकते नहीं है, हमारी बाइबल के कोई भी वचन आ सकते नहीं है, तो ये पूरा होना, इसके लिए प्रार्थना मत करो, बल्कि इसके लिए दया मांगो कि प्रभु हमको तैयार कर, क्योंकि यीशु मसीह का आना निकट है। अगर हम ये प्रार्थना करें प्रभु यीशु मसीह तू ना, तो ये तो बेकार बात है। हमें इनको नहीं रोकना है, बल्कि हमें इनके लिए प्रार्थना करनी है कि हमें तैयारी करनी है। अगर ऐसा होता यीशु मसीह कह सकते थे कि प्रार्थना करो कि ये ना हो, ये ऐसा नहीं कहा, बल्कि कहा है कि प्रार्थना करो कि जाड़े में ना हो। हालेलुया, लेकिन ये होना आवश्यक है और ये हो रहा है, ये सच्ची भविष्यवाणियाँ आपके सम्मुख है, छुपी नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों आज भी समय है, तैयारी करो, यीशु मसीह आ रहे हैं। आज नींद से जागो, इन मौज मस्ती से जागो, अपना समय वेस्ट मत करो, अपना समय परमेश्वर को दो, प्रभु आपको ऊँचा उठाएंगे। ब्लेसिंग भी प्रभु देते हैं मेरे दोस्तों, सब कुछ प्रभु देते हैं, लेकिन हम गलत मार्ग पर चले जाते हैं। आज फिर से प्रभु यीशु मसीह हमें सचेत करें, सावधान कर रहे हैं। तो आइए प्रार्थना करेंगे इन सभी भविष्यवाणियों को लेकर और तैयारी को लेकर। धन्यवाद करते पिता सुंदर सामर्थ्य वचन के लिए, जो भविष्यवाणी आपके मुंह से निकली सारी पूरी हो रही है पिता, सारी पूरी हो रही है, यानी कि आपने कहा जब ये पूरी होने लगे तो द्वार पर निकट खड़ा है। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हम सबको वो आत्मा दे जो तेरा जागरूक का आत्मा है, जिसे हम जागते रहे, प्रार्थना करते रहे, और हमारे अंदर से हर वो आलस का आत्मा, पाप का आत्मा, क्रोध का आत्मा, हर वो आत्मा जो आपसे दूर ले जाता है, दूर करना पिता। आज पिता परमेश्वर तेरा आने का निकट समय है और हम इसकी तैयारी में है पिता। हम जानते तुरंत अंत नहीं, हम ये भी जानते पिता कि आपने वो समय नियुक्त कर रखा है, वो आप परमेश्वर जानता है, लेकिन हमें आपने बता रखा है कि तैयारी करनी है। 10 कुमारी की तरह में से 5 जो तैयारी रहते हैं पिता,
हाँ मेरे पिता परमेश्वर, कि इस समय कोई नहीं जानता, लेकिन आपके भविष्यवाणी जब अपने कार्य पूरी होने लगे तो चिन्ह होगा, मैं चिन्ह हम वो सारे चिन्ह इकट्ठे पूरे हो रहे हैं पिता, इससे बड़ी चिन्ह क्या होंगे पिता। इसलिए पवित्र बाइबल में ऐसे हर बात सत्य है पिता, हर बात पूरी होना है पिता, हम ये विश्वास करते हैं। इसलिए प्रभु जी हमें समझ बुद्धि ज्ञान पवित्र आत्मा दे, और जितने लोग पिता परमेश्वर तेरे से मुड़ गए हैं पाप में चले गए उनको लेके आया, हाँ और आमीन के साथ पिता, सारे भविष्यवाणी को पूरा करना और प्रभु जी पूरी हो रही हमें तैयारी करना, और प्रभु जी हमारे अंदर से सारी चीज़ें निकाल देना जो आपको पसंद नहीं पिता परमेश्वर। जो जितने लोग प्रार्थना देख रहे हैं रिसीव कर रहे हैं आज वो फैसला कर रहे हैं अब तैयारी करने के लिए पाप को छोड़ने के लिए, तुमकी सहायता करना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की, स्वागत है आपका। अगर तैयारी कर रहे हो सब कुछ छोड़ रहे हो परमेश्वर हमारे करीब है, मेरे से तो किसी बात की चिंता मत करो, सिर्फ तैयारी करो, डरो नहीं, घबराना नहीं है, तैयारी करना है। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह।